विधायक इरफान सोलंकी गुरुवार को कानपुर जिले की कोर्ट में पेश हुए तो कुछ इस अंदाज में नजर आए। बीते कई दिनों से महाराजगंज की जेल में बंद इरफान सोलंकी ने हाल ही में यह आरोप लगाया था कि सरकार उनके साथ अमानवीय व्यवहार कर रही है और जेल में उन्हें सुविधाएं नहीं दी जा रही है। इरफान सोलंकी गुरुवार को महाराजगंज से कानपुर पहुंचे और अदालत में पेश हुए। इसके बाद पत्रकारों ने ये सवाल पूछ डाला कि जेल में सुविधाएं मिल रही है या नहीं। इरफान सोलंकी ने हाथ उठाकर कहा, मुद्दई लाख पूरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। महाराजगंज की जेल में बंद है। इसके पहले वो कानपुर की जेल में बंद थे, जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की थी। अखिलेश यादव ने मुलाकात करने के बाद ये कहा था कि इरफान सोलंकी पर जुल्म हो रहा है। वहीं इरफान सोलंकी के वकीलों ने आरोप लगाया था कि इरफान को जेल में सुविधाएं नहीं दी जा रही है, उनको कंबल जैसे जरूरी सामान भी नहीं दिए जा रहे हैं। इरफान सोलंकी से इन सब पर पत्रकारों ने सवाल किया तो जवाब सिर्फ शायरी में आया। इरफान सोलंकी के परिवार का कहना है कि ये मुकदमे राजनीति से प्रेरित हैं। इरफान का ये अंदाज एक बार फिर से अदालत में दिखा है। इसके पहले जब वो पेशी पर कानपुर आए थे तो उनकी पुलिस अधिकारियों से बहस भी हुई थी। इसका एक वीडियो भी सामने आया था।